मुस्लिम नून की सूबाई पार्लियामानी एडवाइजरी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कर रहे हैं। इजलास में गवर्नर राज लगाने और वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने समेत दीगर अहम मामलात जेरे गौर आएंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा। नून के मॉल्टन में मरकजी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम नून की सूबाई पार्लियामानी एडवाइजरी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। इस इजलास की सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कर रहे हैं। इस इजलास में उज़्मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, रमजान सदीक भट्टी, समीला खान, कलर टाइल्ड अयूब गादी, ख्वाजा इमरान नजीर, सबा सादिक समेत दीगर मेम्बरान जो है वो शरीक है। इस इजलास में जैसा कि इमरान खान की जानिब से जो ऐलान किया गया है सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से, उस पर उसके बाद ये इजलास बुलाया गया है अमूमी तौर पर, जिसमें मुस्लिम नून जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेगी कि पंजाब असम्बली में पंजाब में तब्दीली के हवाले से वो क्या लाहेमल इख्तियार कर सकती है। इसमें जो है वो मुशावरत की जाएगी कि अदम एतमाद के वोट समेत जो है वो अदम एतमाद की तहरीक या फिर एतमाद के वोट लेने के हवाले से भी जो है वो मुशावरत और हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ताहम पंजाब असम्बली का इजलास की जो मुसलसल जारी है गुज़िश्ता कई माह से, तो इस पर भी वो गौर किया जाएगा कि जो जितने भी ऑप्शन मुस्लिम नून के पास हैं वो उनको किस तरीके से जो है वो लेकर आ सकते हैं। इजलास में गवर्नर राज लगाने के हवाले से, पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट लेने के हवाले से और एतमाद के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑप्शन है मुस्लिम नून के पास सूबे में तब्दील लाने के हवाले से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो मुशावरत भी की जाएगी और लाए अमल भी तय किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।